हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ अक्षय श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लर्निंग के आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर व लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंच हो सके तथा लोगों लाभान्वित हो सके। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज रेडीनेस, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट, थर्ड वन इज इंटेलिजेंस, फोर्थ वन इज मोटिवेशन एंड फिफ्थ वन इज एटीट्यूड। तत्परता, रुचि, बुद्धिमत्ता, प्रेरणा एंड मनोबल। तो ये जो पांचों फैक्टर्स हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लर्निंग प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति कोई सीखने के लिए तत्पर नहीं है और हम उसको सिखा रहे हैं तो वो सीख नहीं पाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट हो गया, यदि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहे हैं तब भी क्या होगा, आपका अधिगम प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगा। बुद्धिमत्ता भी डिपेंड करती है, अब प्रेरणा का अभाव है तब भी आप उस चीज में मन नहीं लगाएंगे, ठीक है। मनोवृत्ति भी डिपेंड काफी हद तक आपके लर्निंग प्रोसेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5, रेडीनेस, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू पी एफ स्किनर ने क्या बताया था कि रीइंफोर्समेंट अगर हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, पुनर्बलन देते हैं, तो पुनर्बलन से क्या होता है, वो उस काम को दोबारा करने के लिए प्रेरित होता है। और पुनर्बलन के दो प्रकार बताए थे, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा हमारा क्या होता है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्बलन और निगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताया था इन्होंने, पनिशमेंट भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा होता है निगेटिव पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। जो हमें व्यवहार अपने अंदर डेवलप करना है, अगर हम उसका रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, बालक को पुनर्बलित कर रहे हैं, तो बालक क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को क्या होगा, बढ़ाएगा, मतलब वो बार बार वो व्यवहार करेगा। बट अगर किसी चीज को करने के लिए, किसी व्यवहार को उसको छुड़ाना है या किसी आदत को उसके छुड़ाना है, तो आप पनिशमेंट दीजिए। जब पनिशमेंट करेंगे, उसको पनिश करेंगे, तो क्या होगा, डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी। तो वहां पर क्या होगा, उस चीजों को वो अब नहीं दोहराएगा या काफी कम मात्रा में क्या होगा, दोहराएगा। तो इस प्रकार से रीइंफोर्समेंट के दो प्रकार उन्होंने बताए, फर्स्ट वन बताया कि सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा बताया नकारात्मक पुनर्बलन। तथा पनिशमेंट के भी दो प्रकार बताए गए, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर फेल्ट डेट प्रॉब्लम विद थार्नडाइक फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट डेट वाज। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था, प्रभाव का नियम, यदि किसी कार्य को करने से संतोष मिलता है तो उस कार्य को आप दोबारा करते हैं, और उस किसी कार्य को करने से आपको असंतोष मिलता है या मतलब आप उस कार्य को करने से दुखी होते हैं, आपको कष्ट होता है, तो उस कार्य को आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो इन्होंने इसको किसके सिमिलर पाया, तो स्किनर ने टू सिमिलर टू क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के क्या पाया, सिमिलर पाया, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन में भी क्या होता है कि यदि भोजन मिलता है, ठीक है, सपोज करिए आप किसी, कोई कुत्ता है, कुत्ते को भोजन मिलता है तो लार आती है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, कंडीशनिंग करा दिया जाता है, घंटी प्लस भोजन। तो घंटी और भोजन के माध्यम से कहा जाता है कुत्ते को लार आती है, ठीक है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होती है, घंटी की आवाज़ सुनाई देने पर ही क्या होता है, कुत्ता लार प्रभावित करने लगता है। लेकिन यदि क्या किया जाए, घंटी ही बजाई जाए काफ़ी बार तक और भोजन न दिया जाए, तो कुत्ता क्या होता है, ये जो घंटी के द्वारा लार गिराना इसने सीखा है, ये इस लर्निंग को क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको क्या होगा,
संतोष नहीं मिलेगा, घंटी बजेगी तो इसको किसके सिमिलर पाया, क्लासिकल कंडीशन के सिमिलर पाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, फॉरगेटिंग इज डिफाइंड एज, तो फॉरगेटिंग भूलना क्या है, आर रिमूविंग फ्रॉम द ब्रेन एक्सपीरियंसेस आइदर होली आर पार्शियली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दिमाग से किसी चीज को रिमूव करना या डिलीट करना, क्या हो जाए, डिलीट हो जाए या रिमूव हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं या विस्मरण कहते। इन पावलोव स्टडी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन डॉग्स विच ऑफ दीज इन एज द कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस कौन सा है यहाँ पर, तो पावलोव की स्टडी में शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसमें घंटी को देखकर, घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है, ये कंडीशन स्टिमुलस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ए टोन ऑफ बजर। और सलाइवेशन टू द बेल, ठीक है, बेल की आवाज को सुनकर कुत्ते के मुंह से लार का आना क्या है, ये कंडीशन रिस्पांस है, क्या है, ये कंडीशनल रिस्पांस है। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, जब आप भोजन देते हो तब कुत्ते के मुंह से क्या होता है, तब भी सलाइवेशन होता है यानी लार आती है, तो इस समय ये भोजन किस कवर कर रहा है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस कवर कर रहा है, और सलाइवेशन किस कवर कर रहा है, अनकंडीशनल रिस्पांस कवर कर रहा है। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको यहाँ से भी याद करना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, पावलोव ने दी थी, ठीक है, प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किनर द रिस्पांस विल बी स्ट्रेंथेंड इफ इट इज फॉलोड बाई ए सब्जेक्टिवली डिफाइंड पॉजिटिव स्टिमुलेट्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेटिस्फैक्शन, ए डिस्कम्फर्ट इवेंट। कहने का मतलब अनुक्रिया अधिक मजबूत होगी, ये व्यक्ति ज्यादा रिस्पांस करेगा, कब, जब आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, सकारात्मक पुनर्बलन देंगे। किसी बच्चे को अगर आप सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो रिस्पांस करेगा, जल्दी रिस्पांस करेगा, और स्टिमुलस रिस्पांस के बीच जो संबंध होगा वो काफी दृढ़ होगा। ऐसा कौन कहता है, स्किनर जी कहते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा यदि फॉलो किया जाएगा तो रिस्पांस विल बी स्ट्रेंथन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग का मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज करिए हांडाइक का प्रयोग था, हांडाइक के प्रयोग में क्या किया, पहले बिल्ली, ये हांडाइक का एक बॉक्स था जिसको हम क्या बोलते थे, पजल बॉक्स, इस बॉक्स के नाम से जाना जाता था इसको, पजल बॉक्स। तो पजल बॉक्स में क्या, पहले बिल्ली बंद थी, और बिल्ली ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करके लीवर को दबाकर दरवाजा खोलना सीख लिया और मछली को खाना सीख लिया, ठीक है, मछली जो मरी हुई मछली थी उसको खा लेती थी। तो ये एक पहले 100 बार प्रयास किया, फिर 80 बार किया, 80 टाइम्स किया, फिर 60 टाइम्स किया, फिर 50 टाइम्स किया, तो बार बार प्रयास करने पर बिल्ली ने अब लीवर को दबाकर दरवाजा खोलना सीख लिया। अब क्या करना है, अगर हमें बिल्ली को स्टैंड अप कराना है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टिमुलस है इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो अब बिल्ली क्या हो जाएगी, धीरे 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 इस ऊपर की ओर खड़े होना सीखेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग। तो एसोसिएटिव लर्निंग दोनों में होता है, क्लासिकल कंडीशन में भी होता है और मॉडर्न कंडीशन में भी होता है। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द लर्नर माइंड टू रिसीव न्यू नॉलेज एज व्हेन डिजायर्ड बाय द टीचर इज नोन, ठीक है। तो कोई लर्नर है, कोई अधिगम करता है, उसके माइंड को प्रिपेयर करना कि वो नए ज्ञान को सीखे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब टीचर करता है इस कार्य को तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट मोटिवेशन, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट मोटिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये कौन से दो मेन मेथड्स हैं कंसिडर किए जाते हैं साइकोलॉजी में, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में टू मेन मेथड्स हैं, फर्स्ट वन है लर्निंग इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, और अवलोकन के माध्यम से होती है। तो ये दो मेन मेथड्स माने जाते हैं किसमें, एजुकेशन साइकोलॉजी में। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं संग्रहित होती हैं, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकलेक्शन, दोबारा से क्या करना, इसको कलेक्ट करना, तो ये क्या है, रिकलेक्शन, ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड रिकलेक्शन। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंस्टिंक्ट, तो जो आपकी जन्मजात योग्यताएं होती हैं उससे आदत क्या है, भिन्न है।
इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं, आपकी इनबॉर्न होती हैं, जन्मजात होती हैं, ठीक है। जबकि हैबिट्स क्या होते हैं, तो हैबिट्स आर आल्सो इनबॉर्न, नहीं, हैबिट्स आदत जो है आपकी जन्मजात नहीं होती। आदतें क्या होती हैं, विकसित होती हैं, डेवलप्ड होती हैं, डेवलप की जाती हैं, ठीक है। तो हैबिट्स क्या होती हैं, डेवलप्ड होती हैं, डेवलप की होती हैं, बट इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो आपके इनबॉर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं। जैसे भूख लगना, ये क्या है, आपकी जन्मजात योग्यता है, ठीक है। क्रोध का आना, ठीक है, नींद का लगना, तो ये आपके इंस्टिंक्ट्स हैं। बट हैबिट्स क्या है, आदत क्या है, आदतें विकसित होती हैं, ठीक है। जैसे सुबह उठकर पढ़ना, खेलने जाना, ठीक है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, तो ये क्या किया गया है, विकास किया गया है, ये जन्मजात नहीं है। तो हैबिट्स क्या है, आपकी डेवलप्ड होती हैं। लर्निंग इज इफेक्टिव, लर्निंग कब अधिगम कब इफेक्टिव होगा, जब इनिशियल लर्निंग्स इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, ठीक है। तो जब आपकी प्रारंभिक जो लर्निंग क्या किया जाएगा, किसके द्वारा फॉलोड होगा, मोटिवेशन के द्वारा, जब प्रेरणा के द्वारा, जब प्रेरणा के द्वारा उसका अनुकरण किया जाएगा, तो जो अधिगम होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा सकारात्मक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाफ इम्पैक्ट। लाफ इम्पैक्ट इज कनेक्टेड विद, तो लाफ इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम किससे कनेक्टेड होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप ऑफ टीचिंग। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतना ही बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लाफ पर्पज, ठीक है, तो लाफ पर्पज इज एसोसिएटेड विद क्या है आपका, प्रेजेंट प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको आपको लाफ पर्पज एसोसिएटेड किससे है, प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग से। इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिपीटेशन हेल्प टू डेवलप, तो दोहराव किस चीज को विकसित करता है, आपके स्किल को विकसित करता है, आपकी कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स, तो इफेक्टिव लर्निंग अगर आपको करना है तो कंटिन्यूटी आप में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो वहां पर इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आज हमने कुछ पढ़ा, लर्निंग के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर 10 दिन हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, 11वें दिन फिर लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं, तो जो हमने प्रीवियस नॉलेज गेन किया है वो हम मिस कर देंगे, हमारे दिमाग से मिस हो जाएगा, फिर नया नॉलेज जो है हमें नहीं समझ में आएगा। बट अगर आज आपने लर्निंग पढ़ा, देन नेक्स्ट टाइम आपने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी, तो अगर कंटिन्यूटी है तो क्या होगा, आपकी लर्निंग क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। बट अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो लर्निंग क्या रहेगी, इफेक्टिव नहीं होगी। तो इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, कंटिन्यूटी आवश्यक होती है, आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप रुक जाते हो बीच में, मान लीजिए 2 साल पढ़ाई ब्रेक कर जाते हो, तब फिर क्या होगी, आपको सारी चीजें जो है आपके दिमाग से विस्मृत हो जाओगे, आप भूल जाओगे, तो अच्छे से अधिगम नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट इज सेड टू बी, तो क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, आप किसी सब्जेक्ट में लर्नर में रुचि पैदा कर दें, ठीक है, किसी स्टूडेंट में किसी चीज को सीखने की रुचि पैदा कर दें, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्रिएशन क्यूरियोसिटी, इच्छा पैदा कर दें ऑन सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट के प्रति आप क्या कर दें, उसमें इच्छा पैदा कर दें बच्चे के अंदर उस चीज को सीखने के लिए, उसके दिमाग में आप इसकी इच्छा पैदा कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगी, रुचि। ये किसका सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट एक्सीडेंटल, टीचिंग इज रियली, तो जो आपकी सक्सेसफुल टीचिंग है वो क्या है, एक्सीडेंटल नहीं है, एक आर्ट है, ठीक है, एक कला है, एक विज्ञान है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं आ जाती, इसको हमें क्या करना पड़ता है, अनुभव के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो सक्सेसफुल टीचिंग क्या है, इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं, नोइंग वेरियस लेवल्स ऑफ लर्नर्स इज सेड टू बी, तो अधिगम के विभिन्न लेवल्स को, विभिन्न स्तरों की को जानना, उनकी जांच करना, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व विभिन्नता का नियम, ठीक है। हर व्यक्ति क्या है, अपने आप में भिन्न है, ठीक है, इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, तो जब कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकता तो उनको शिक्षा एक प्रकार से कैसे दी जा सकती है, या वो एक ही गति से कैसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप
आपके क्लास में जो अधिगम करता है उनके स्तर की जांच करना, उनके स्तर को जानना कि वो किस लेवल से आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लर्निंग रिजल्ट्स एमंग द स्टूडेंट फ्रॉम, ठीक है, तो लर्निंग का परिणाम क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूटी हैबिट्स, कंटिन्यूटी स्टिमुलेशन एंड बिहेवियर, तो लर्निंग रिजल्ट क्या होता है, कंटिन्यूटी, अगर आपने कंटिन्यूटी है तो क्या होगी, अच्छा अधिगम का जो परिणाम है वो अच्छा आएगा, ठीक है। नॉलेज आर स्किल इज ऑब्टेंड आर डेवलप्ड, आपके अंदर ज्ञान या कौशल जो विकसित होता है वो किससे, कैसे विकसित होगा या कैसे प्राप्त होगा, जब आप अधिगम करोगे, जब आप चीजें सीखोगे, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस से नहीं, कोचिंग प्रोसेस से नहीं, मेंटरी प्रोसेस से नहीं, लर्निंग प्रोसेस से, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया जब आप करोगे, जब चीजों को आप सीखोगे, तब आपके अंदर क्या होगा, ज्ञान का विकास होगा, कौशल विकसित होगी और आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्टर वर्किंग इन वीईटी वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कैन प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर, तो लर्नर को प्रोवाइड फीडबैक क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको टेस्ट प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं, किस आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके कंट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन के आधार पर, उनके प्रोग्रेस के आधार पर, या परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है चीजों को, उनका योगदान क्या है, उन सही किस प्रकार से कोऑपरेट करते हैं चीजों को, और उनकी प्रोग्रेस क्या है, इन सारे आधार पर इंस्ट्रक्टर को क्या देना चाहिए, फीडबैक प्रोवाइड कराना चाहिए, पृष्ठपोषण प्रोवाइड कराना चाहिए, किसी एक चीज को ध्यान में रख के फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम टू इम्पार्ट न्यू इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर इज, जो आप सिखाना चाह रहे हो, जो आप अनुदेशन करना चाह रहे हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है, when they are ready to learn, when they have free time, when they just enter teaching area, when teacher is ready to teach, कब आपको सिखाना चाहिए, जब वो फ्री हो, जब वो टीचिंग एरिया में जैसे एंटर करे तुरंत आप उनको इंस्ट्रक्शन देने लगो, या जब हमारा मन कहे हम टीचर हैं तब आपको पढ़ाने लगे, क्या होता है, ये तीनों बातें गलत हैं, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। When they are ready to learn, जब लर्नर क्या हो, सीखने के लिए तैयार हो, तभी आपको क्या करना चाहिए, न्यू इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, When they are ready to learn, ओके। Person work efficiently if he is mentally prepared to undertake it. Learning depends on learner's interest. This is known as, ठीक है, आदमी कार्य efficiently सही से करता है, ठीक है, यदि वो मानसिक रूप से क्या है, तैयार है, ठीक है। तो इसी प्रकार से learning depends on upon learner's interest, ठीक है, learner की रुचि पर क्या करती है, निर्भर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, This is known as readiness, इसको क्या बोलते हैं, तत्परता का नियम या तैयारी का नियम, ओके। ग्रुप्स में भी इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, आप किसी चीज किसी अनुदेशन कर सकते हो, अनुदेशन क्या किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है, लोगों को पढ़ाया किसमें जाता है, ग्रुप में किया जाता है, लेकिन अधिगम कितना हो रहा है, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका क्या है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, व्यक्तिगत है, ठीक है, कोई कितना, कोई कुछ ज्यादा सीखेगा, कोई कुछ कम सीखेगा, तो ये व्यक्तिगत डिपेंड करती है, तो लर्निंग क्या है, इज ए इंडिविजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं।